सभी कोई जानते हैं उस हालात पे आने के लिए सभी लोग सफर कर रहे हैं। आज जो कोरोना डिजीज हमारे बीच आया है, हम सभी पैनिक हैं और ईश्वर की दया रहेगी एक न एक दिन हमें इससे निजात भी मिलेगा और हम सफल भी होंगे, फिर हमें अच्छी अपनी जीवन शैली भी बिताएंगे। दोस्तों, आज के युग में हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित रहता है। आज इतने प्रदूषण के युग में मैं देख रही हूं कि जन्म लेते साथ बच्चे से ही सभी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और छोटे बच्चे हो या युवा हो, पहले तो होता था कि जैसे बुढ़ापा अगर आ रहा है तब लोग सोचते थे कि चलो उनको बीमार है तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे को ही लाइलाज बीमारी असाध्य रोग से ग्रसित हो रहे हैं। इतने प्रदूषण हमारे बीच फैल गए हैं जिस प्रदूषण की वजह से हमारे खाने में भी पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हम आज बीमारी से हर एक घर में कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, बड़े न बड़े बीमारी से ग्रसित है। हमारी शक्ति कमजोर हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही है, मांसपेशियां कमजोर हो रही है, पेट की समस्या से ग्रसित है, त्वचा की समस्या ग्रसित है, कुछ न कुछ हम लोग बीमारियों से जूझते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस विषय में आने से पहले मैं एक बात कहूंगी कि आज सेफ शॉप के द्वारा हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को देख रहे हैं जो चमत्कारी प्रोडक्ट हैं। वैसे तो कहेंगे कि सेफ शॉप का कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में एक चमत्कार है, अद्भुत है, लेकिन मैं आज विशेष तौर पर जिस भौतिक सुख सुविधा से हम लोग आकर्षित होते हुए ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कारित प्राकृतिक औषधि से विमुख हो गए हैं, विमुख होते जा रहे हैं, वही प्राकृतिक औषधि हमारे बीच में जीवन दायिनी के रूप में उपस्थित है और सेफ शॉप द्वारा प्रायोजित और होमा आयुर्वेदिक कंपनी के द्वारा उत्पादित है। सर्वप्रथम मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रही हूं, उस प्रोडक्ट का नाम है नोनी प्रीमियम, सेफ शॉप का नोनी प्रीमियम। तो आइए देखते हैं नोनी है क्या। नोनी एक फल है, देखने में बिल्कुल अनानास की तरह होता है और यह दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महाद्वीप पर पाया जाने वाला एक सदाबहार फल है। नोनी का वैज्ञानिक नाम है मोरिंडा सिट्रिफोलिया। एक समय था जब मैं भी नहीं जानती थी, बहुत सारे लोग नोनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज नोनी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काफी प्रचलित होता जा रहा है क्योंकि नोनी एक कुदरती फल है जिसे हम जीवन दायिनी भी कहते हैं। मनुष्य को घातक बीमारी से बचाने वाला यह अद्भुत फल है। नोनी का उपयोग हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। और इस चमत्कारी फल में पोटेशियम एवं एंटी एजिंग गुणों से गुण का भरपूर मात्रा में है, जिसके उपयोग से हम लंबे समय तक युवा रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं। इस फल का या इसके जूस का विभिन्न प्रकार के रोगों में रोकथाम के लिए हम यूज करते हैं। इसमें 150 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। नोनी फल के नाम से पहचाना जाने वाला यह फल सेहत के लिए इतना फायदेमंद है कि इस पर विभिन्न शोध किए जा चुके हैं। नोनी के सबसे बड़े फायदे हैं कि इसके नियमित सेवन से आपकी उम्र को 100 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आप अपनी उम्र के 100 साल भी जीवित रह सकते हैं अगर नोनी का नियमित प्रयोग आप करते हैं अपने जिंदगी में, नोनी अपने खाने में, अपने लाइफस्टाइल में अगर नोनी को सम्मिलित करते हैं तो। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी नोनी को अमृत फल का नाम दिया है और हमारे बीच चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने दिन की शुरुआत नोनी जूस से ही करती है। उनकी खूबसूरती का राज और जवान बने रहने का राज
नोनी जूस है, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे कहा जाता है कि दोस्तों आज जिस हालात से हम लोग गुजरते जा रहे हैं, तो रोज कई बीमारियों से हमारा सामना हो रहा है। इन बीमारियों को देखते हुए ही हमारी कंपनी आज नोनी प्रीमियम, जो होमा कंपनी द्वारा उत्पादित है, हमारे बीच लाई है, बाजार में लाई है। तो इससे ये बात तो तय होता है कि हमारी कंपनी जब भी कुछ सोचती है, या तो आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहती है, या स्वास्थ्य रूप से समृद्ध करना चाहती है, हर रूप से मनुष्य में ये एक सामाजिक सेवा के रूप में भी सक्षम है कि किसी न किसी रूप से मनुष्य जाति को, मनुष्य को सक्षम और स्वस्थ रखना चाहती है। तो जी हाँ दोस्तों, नोनी प्रीमियम की ही बात कर रहे हैं। इसकी खासियत है कि नोनी जूस के साथ हमारे इस नोनी में, सर नेक्स्ट, नोनी जूस में कोकुम और अश्वगंधा जैसी प्राकृतिक औषधि का मिश्रण है, इसलिए हम इसे नोनी प्रीमियम का नाम दिए हैं। नोनी बाजार में बहुत मिलती है, सिर्फ नोनी, लेकिन हमारी कंपनी ने कुछ तो सोचा होगा कि नोनी के साथ हम कोकुम और अश्वगंधा के मिश्रण को मिलाकर तैयार करें, इसलिए इन्होंने नाम दिया है नोनी प्रीमियम। अब हम देखते हैं दो औषधीय गुणों का मिश्रण, यानी कोकुम और अश्वगंधा, इसके बारे में मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी। अब कोकुम का वैज्ञानिक नाम है गार्सिनिया इंडिका। यह गहरे रंग के जामुनी से लेकर काले रंग के चिपचिपे और टेढ़े मेढ़े किनारे वाले एक फल होते हैं। खास करके ये सुखा कर मसाले में भी प्रयोग किया जाता है, जहां तक मैं जानती हूँ। इसके उपयोग से पोषक तत्व की कमी को दूर किया जाता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और कोकुम में काफी मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। दूसरी औषधि गुण है इसमें साथ में अश्वगंधा। अश्वगंधा के नाम से सभी लोग परिचित हैं। हमारे आयुर्वेद की दुनिया में अश्वगंधा का काफी नाम है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा का नाम भारतीय औषधीय प्रणाली में काफी लोकप्रिय है। कहते हैं कि अश्वगंधा में अश्व की तरह शक्ति और ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अश्वगंधा। यह भारत के शुष्क प्रदेशों में, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा नेपाल, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं, और यह इसका वर्णन किया जाता है, यह सैकड़ों बीमारी में सहायक है। दोस्तों, नोनी जूस में कोकुम और अश्वगंधा के अंश को उतना ही मिलाया गया है जितना कि हमारे शरीर में इसकी खुराक की जरूरत है। इसलिए होमा कंपनी द्वारा उत्पादित, सेफ शॉप द्वारा प्रायोजित नोनी प्रीमियम के सेवन से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले ये कितनी बीमारियों पर असर करता है। एक नोनी जिसमें अश्वगंधा भी है, कोकुम भी है, ये कितनी कितनी बीमारियों पर असर करता है, हम ये देखते हैं। अनानास यानी पाइनएप्पल, एप्पल की तरह दिखने वाला यह फल सैकड़ों बीमारी पर असर करता है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि नोनी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। आज के दौर में, आज जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना एक ऐसा डिजीज हमारे बीच आया है जो हमें स्तब्ध कर दिया है, अचंभित कर दिया है। ये डिजीज ऐसा है जिस पर ना कोई दवा काम कर रही है ना कुछ, सिर्फ इसमें कहा जा रहा है कि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूती दे। तो दोस्तों, नोनी में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के औषधीय बहुत ही शक्तिशाली गुण है। इसे पीने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। इसके साथ ही इसमें नींद ना आने की समस्या, जिन महानुभावों को नींद नहीं आती है, उनके लिए भी नोनी बहुत ही अच्छी चीज है। साथ में
हमें आए दिन सुनने को मिलता है एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स, सांस की तकलीफ। अक्सर लोगों को सांस की बहुत सारी तकलीफें होती हैं। मैक्सिमम लोग कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ फंगस हो जाते हैं, फेफड़े में कुछ हो जाते हैं। तो लोनी इसमें, इस तरह के डिजीज में रामबाण है। इसमें डेमाकैंथल केमिकल होने की वजह से यह कैंसर के सेल्स को नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज असाध्य रोग है, लेकिन नोनी में वो दम है जो इसके कैंसर के सेल्स को भी नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित करता है। और इसमें जेरोलिन एल्कलाइट है जैसा केमिकल है जिसकी वजह से शरीर में सेल्स की मरम्मत करता है। सेल्स के टूटने से बहुत सारी बीमारियों हमारे शरीर में होती है। तो ये जेरोलिन एल्कलाइट जैसा केमिकल जो है इसमें, ये हमारे सेल्स की मरम्मत करता है। किसी महिला को अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो नोनी पीने से वह भी मददगार है। इसके साथ ही हम आते हैं, आए दिन हम सुनते आ रहे हैं थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी है कि आए दिन हर दो घर छोड़कर मैं देखती हूँ कि थायराइड का प्रॉब्लम है। लोग दवा खा रहे हैं जी रहे हैं, दवा खा रहे हैं जी रहे हैं। दोस्तों, थायराइड के लिए नोनी एक ऐसा इलाज है, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। नोनी पीने से धीरे धीरे थायराइड भी खत्म हो सकता है अगर आप लंबी समय तक इसका अगर सेवन करते हैं। इसके साथ डायबिटीज, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में नोनी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। डायबिटीज के साथ माइग्रेन, माइग्रेन भी एक आम बीमारी होती जा रही है। हर खासकर महिलाओं में माइग्रेन की बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो माइग्रेन से जो ग्रसित है वो भी नोनी का व्यवहार कर सकते हैं और बहुत ही हद तक माइग्रेन को खत्म करता है नोनी। इसके साथ आते हैं स्ट्रोक को रोकता है, स्ट्रोक, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को सही रखता है। इसके साथ सिर दर्द, आए दिन महिलाओं में सब में सिर दर्द की ज्यादा शिकायत होती है। मैं कहती हूँ बहनों, आप नोनी पियो, स्वस्थ रहो। नोनी बहुत सारी बीमारियों के साथ कभी आपको सिर दर्द नहीं होने देगी। आज प्रदूषण के हिसाब से, खान पान की गड़बड़ी से, महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से ट्यूमर की शिकायत आ रही है। ट्यूमर जो कैंसर में बदलने लगती है, उसके लिए नोनी रामबाण है। नोनी उस कैंसर में बदलने की प्रक्रिया को कम करती है और धीरे धीरे ट्यूमर को ठीक भी करती है। दोस्तों, कैंसर में अक्सर लोग कीमोथेरेपी लेते हैं जो थोड़ा कष्टदायक होता है। अगर कीमोथेरेपी लेने वाले जिस तकलीफ से गुजरते हैं उन्हें नोनी दिया जाए तो कीमोथेरेपी की जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। इसमें कैंसर रोधी गुण भी है नोनी में। जितने भी कैंसर शरीर में होते हैं उसका भी बचाव करती है, और अगर फर्स्ट स्टेज में है तो बहुत हद तक उसे आगे बढ़ने से रोकती है। अक्सर लोगों में कमजोरी की शिकायत होती है, लोग कमजोर कहते हैं, बहुत वीकनेस लगता है। नोनी पियो, कमजोरी भगाओ। मैं कहती हूँ अपने खाने में, अपने डाइट में नोनी का इस्तेमाल करो। कमजोरी तो शरीर में क्या, दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ये शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाती, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है ये। और हमारे शरीर में जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तभी हम सेब शॉप में भागा दौड़ी करके इतने अच्छे से काम कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, नोनी पियो और ऊर्जा का स्तर बढ़ाओ। अच्छा, महिलाओं को सबसे डर होता है कि चेहरे पर झुर्रियां ना हो। आजकल तो पुरुषों को भी होता है, तो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ये नोनी इतनी अच्छी चीज है कि कभी भी चेहरे पर झुर्रियां ना आने देगा। तो दोस्तों, नोनी का इस्तेमाल कीजिए और जवां बने रहिए। ये त्वचा संबंधी सभी बीमारी पर कारगर है। त्वचा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं नोनी उसमें कारगर सिद्ध होती है। इवन कि आप नोनी को त्वचा पर लगा भी सकते हैं, 5-10 मिनट लगाकर धो भी सकते हैं, त्वचा चमकदार होती है। इसके साथ आते हैं गठिया और जोड़ों का दर्द।
गठिया और जोड़ों के दर्द में भी नोनी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। अक्सर आज के डेट में देख रहे हैं, अक्सर लोग कोहनी का दर्द, गठिया का दर्द से पीड़ित रहते हैं, तो नोनी का प्रयोग करें और दर्द को दूर भगाएं। महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी जिन्हें भी होती है, वो नोनी का इस्तेमाल करके अपने इस गड़बड़ी को ठीक कर सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है आज के खान पान में पेट संबंधी बीमारियां। हम घर में खाते हैं, बाहर खाते हैं, ठेले पे खाते हैं, होटल में खाते हैं, और ऊपर से इतना प्रदूषण, तो इस प्रदूषण की वजह से जितने खाने के साथ साथ बहुत सारी चीजों को हम खा जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। नोनी पेट संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है। आए दिन एक चीज देखेंगे दोस्तों कि कफ का प्रॉब्लम, खांसी, सर्दी, जुकाम या बार बार छींक होना, ये देखते होंगे कि एलर्जी हो जाता है, बार बार छींकते रहते हैं, हमेशा कफ की शिकायत होते हैं, खांसते रहते हैं। जो नियमित नोनी का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, उनका ये एलर्जी भी खत्म होगा और कभी भी कफ की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, बहुत लोगों को शरीर में सूजन होती है, तो ये शरीर में होने वाले सूजन को खत्म करता है। चेहरे में भी सूजन आ जाती है, तो ये चेहरे के सूजन को भी खत्म करता है। और सबसे बड़ी चीज है, आज इतने काम, इतने प्रेशर में रहते हैं लोग कि उनके याददाश्त पर ज्यादा असर पड़ रहा है। याददाश्त बढ़ाने के काम में भी नोनी मददगार है। नींद ना आने की बीमारी, नींद नहीं आती है जिन्हें, उनके लिए भी नोनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देखते होंगे लीवर में स्पॉट आना। लीवर एक ऐसा चीज है जिससे हमारे पूरे शरीर का जो है फंक्शन सुचारू रूप से चलता है। लीवर में गड़बड़ी होने से उसका रिएक्शन खान पान से लेकर हर एक चीज में आ जाता है। तो लीवर में स्पॉट आने पर भी अगर आप नोनी का प्रयोग करते हैं तो उससे ठीक होता है। बैड ब्रीथ भी होता है, उसमें भी नोनी कामगर है। स्लगिश लीवर, जो सुस्त लीवर हो जाता है, उसमें भी नोनी काम देता है। और दोस्तों, आए दिन खान पान की वजह से डायरिया होता है, डायरिया लीवर के प्रॉब्लम से भी कभी डायरिया, स्टोमक प्रॉब्लम से भी डायरिया होता है, तो इसमें भी नोनी कारगर सिद्ध हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को भी नोनी की जरूरत पड़ती है। नोनी अगर कंटिन्यू ले तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को भी फायदा है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जैसा कि मैंने कहा कि बेबी अगर कंसीव नहीं हो रहा है, यानी फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों, नपुंसकता पर भी कारगर है यह। आज के भाग दौड़ और टेंशन में नपुंसकता भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हमारे समाज में फैल रही है। नोनी के सेवन से इस पर भी काबू पाया जा सकता है। अब आते हैं हड्डियों से संबंधित सभी बीमारी पर नोनी कारगर सिद्ध हुई है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत से युवाओं में स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन की शिकायत आ रही है, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी अभी जिस बीमारी की समस्या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा गया था कि उन्हें भी बाइपोलर डिसऑर्डर था, सच या झूठ जो भी हो, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो अगर किसी का पता चलता है, कंटिन्यू अगर आप नोनी देते हैं, तो इससे भी निजात मिलता है। यानी ये स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम कर देता है और इन सब से छुटकारा पाता है। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी बीमारी है, जिसमें नोनी बहुत 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 कारगर सिद्ध हो रही है। और त्वचा से संबंधित मैंने जैसा कहा कि त्वचा, ये पीने से भी त्वचा बहुत ही सुंदर चमकीली होती है, और अगर आप चेहरे में भी लगा लेते हैं तो भी 5 मिनट के लिए धो लें तो भी चेहरे में दाग धब्बे सब हट जाते हैं। हार्मोन संबंधी उपचार में भी नोनी कारगर सिद्ध होता है। हेयर प्रॉब्लम आज की ये बहुत सारी शिकायत है बाल झड़ने की, उसमें भी नोनी कारगर सिद्ध होती है।
अब कहते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये घरे घर अभी देख रही रूमेटाइड अर्थराइटिस की शिकायत होती है। कंटिन्यू नोनी का सेवन करने से इसमें बहुत अत्यधिक रूप से फायदा हो रहा है। इसमें अगर हम इतने मेडिसिन खाते हैं, हालांकि नोनी भी आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं दोस्तों कहूंगी कि जिसे भी इस तरह के आर्थराइटिस है, आप नोनी का कंटिन्यू सेवन कीजिए, निश्चित तौर पर यह ठीक होगा। आजकल देखने में आता है कि कोई घाव या जख्म हो जाता है तो जल्दी भरता नहीं है, जल्दी सूखता नहीं है, तो नोनी आप पीने के साथ साथ अगर रुई के फाहे में लेकर किसी घाव में अगर नोनी को उस पर लगा देते हैं तो इतना फास्ट इसका प्रभाव होता है कि बहुत जल्दी वो घाव सूख जाता है नोनी लगा देने से। हीमोग्लोबिन जिसके कम हो जाते हैं, नोनी पिए हीमोग्लोबिन बढ़ाएं। हाँ दोस्तों, मोतियाबिंद की शिकायत भी बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आप नोनी पीते रहते हैं तो मोतियाबिंद होने का खतरा कम होता है, और अगर थोड़ा बहुत किसी को हो भी गया है तो नोनी अगर पीते रहे तो वो भी ठीक होने के चांसेस हैं। नेत्र को लंबी अवधि तक रक्षा करता है। नेत्र हमारी आंखें, जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, ये एक ऐसी चीज है कि इसके लिए ये अगर है तो खूबसूरती देखना और पूरी दुनिया सृष्टि का नजारा हम देखते हैं, तो इसके लिए भी हम ये सोचें कि नोनी पीने से ये लंबे समय तक इसकी रक्षा करती है। मैंने जैसा कहा प्रजनन क्रिया में भी नोनी बहुत सहायक है। मांसपेशियों में संकुचन होता है तो मांसपेशियों की मरम्मत करता है ये। मांसपेशियों के संकुचन में भी नोनी बहुत कारगर सिद्ध होता है। पित्त, जैसे कफ के बारे में बताए, वात के बारे, वात से ही ये आर्थराइटिस वगैरह जोड़ों का दर्द होता है, कब तो जान ही रहे, पित्त की वजह से भी पेट की सारी सारी बीमारियां होती है। नोनी अगर पीते हैं तो कफ पित्त वात ये तीनों बैलेंस रहता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सभी के कभी ना कभी खराब होते रहते हैं। आप अगर नोनी पिए, कभी हमेशा किसी को खाना पचता नहीं, किसी का कभी होता कभी उल्टी होता, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो जो भी स्टोमक प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए नोनी रामबाण है। अगर नोनी का हम नियमित सेवन करते हैं तो हमारा स्टोमक प्रॉब्लम ठीक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। रतौंधी एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, नोनी के कंटिन्यू प्रयोग से रतौंधी में भी सहायक है। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को भी नोनी बैलेंस करता है। अब दोस्तों कैंसर में, बहुत सारे कैंसर के साथ एक मुंह का कैंसर भी होता है, मुंह के कैंसर में भी नोनी बहुत ही सक्षम है, कारगर है। फेफड़ों का कैंसर, मैंने कहा कि कफ सांस की जितने भी प्रॉब्लम के साथ फेफड़ों के कैंसर में भी नोनी बहुत कारगर सिद्ध होता है। सोराइसिस में भी नोनी बहुत काम देता है, जैसा कि सोराइसिस में खाने के साथ साथ आप लगा भी सकते हैं, जैसा पिछली मीटिंग में मैंने किसी भाई साहब को देखा था सोराइसिस के बारे में बता रहे थे, तो सोराइसिस में तो बहुत ही कारगर सिद्ध है। खास करके एक्जिमा, मैं अपनी ही एक एसोसिएट को मैं बोली थी नोनी लगाने के लिए, जो साल भर से वो इलाज करवा रही थी, मात्र 3 दिन में नोनी लगाने से उनके हाथ का एक्जिमा एकदम क्लियर और साफ हो गया था। त्वचा पर दाग धब्बे जितने भी हैं, आप नोनी अगर उस पर लगाइए भी और पीजिए तो वो भी ठीक होते हैं। त्वचा से संबंधित में एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, इस तरह पर के बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें आप नोनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चेहरे पर अगर आप लगाते हैं 5 मिनट लगाकर अगर धो देते हैं तो यह एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट भी है। अब सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, हम अधिकांश लोग मोटापे से ग्रसित हैं, तो 1 महीने के लगातार सेवन से नोनी अगर पीते हैं तो 2 से 3 किलो नोनी पीने से वजन घटाया जा सकता है। तो आगे आपकी मर्जी, आप कितना वजन घटा सकते हैं, नोनी पीते रहिए और अपने शरीर को संतुलित रखिए, स्लिम रखिए, क्योंकि बिना वजह अगर वजन बढ़ता है तो बहुत सी बीमारियों को न्योता देता है। एक चीज है कि हम जितने भी खाना खाते हैं, धूल कण
हमारे हम इनहेल करते हैं हमारे अंदर आता है, और खाते खाते हमारे आंतों आंत जो होती है इंटेस्टाइन होते हैं उनमें बहुत सारी गंदगी बैठ जाती है जो बाद में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो दोस्तों आंतों की सफाई का काम बहुत अच्छे से नोनी करता। अगर आप नोनी कंटिन्यू पीते हैं तो आपके आंतों में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी, और ये आंतों को सफाई करके कब्ज को दूर करता है। अक्सर लोगों में आज के डेट में देखती हूँ कब्ज की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों बीमारियों की लंबी लिस्ट है, अगर देखते जाएं तो इतनी बीमारियां, अगर मैं सांस से संबंधित लूं तो सांस से संबंधित सैकड़ों बीमारी है, जोड़ों के दर्द से संबंधित सैकड़ों बीमारी है, जख्म से संबंधित सैकड़ों बीमारी है, सूजन से संबंधित सैकड़ों बीमारी है, इस तरह के एक्जिमा, डिफरेंट टाइप के एक्जिमा है, त्वचा संबंधी बीमारी है, हेयर प्रॉब्लम है, जितनी भी ऐसी सारी बीमारियां हैं इसके लिए एकमात्र 100 बीमारियों का एक इलाज नोनी प्रीमियम, जो हमारे सेफ शॉप में होमा कंपनी द्वारा उत्पादित है नोनी प्रीमियम, जिसमें कोकुम और अश्वगंधा भी मिला हुआ है, जिसके फायदे हमने मैंने पहले बताए हैं। अब दोस्तों ये बात है कि इस तरह की सैकड़ों बीमारी पर नोनी प्रीमियम काम करता है, तो आइए अब देखते हैं किन कारणों से इन सब बीमारियों पर काम करता है। मैं कह दी कि इन बीमारियों पर नोनी काम करता है, लेकिन उसके कुछ फैक्ट होंगे, कुछ तत्व होंगे जिसकी वजह से, जैसे मैंने कहा था कि उसमें अश्वगंधा और कोकुम भी मिले हुए, कोकुम और अश्वगंधा के फैक्ट और औषधीय गुण मैंने बता दिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नोनी, अगर नोनी प्रीमियम मैं पी रही हूँ तो नोनी प्रीमियम में कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से इन सब बीमारियों पर नोनी प्रीमियम कारगर सिद्ध होती है, तो आइए ये देखते हैं। सबसे पहला है नोनी प्रीमियम में विटामिन B1 है, यानी हाइड्रोक्लोराइड। इसका काम है शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है, यानी इसकी वजह से ये विटामिन B1 नोनी में है, इसलिए नोनी पीने से शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, नसों के बचाव में नसों में जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें बचाव करता है, हृदय रोगों से सुरक्षा करता है, मोतियाबिंद से बचाव कराता है, एंटी एजिंग गुण इसमें है, पाचन क्रिया दुरुस्त करता है, अल्जाइमर जैसे बीमारी यानी भूलने की बीमारी, याददाश्त की बीमारी उसे ठीक करता है, और रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को भी ये बढ़ाता है। दूसरा गुण है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। यह आंखें राइबोफ्लेविन अगर नोनी प्रीमियम में है तो उससे ये आंखें, त्वचा और मांसपेशियों और नसों को स्वस्थ रखता है, याददाश्त बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को सही करता है, और जो हमारे ऊतक जिसे जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनको ये मरम्मत करता है, सिर दर्द माइग्रेन को दूर करता है, आंखों को स्वस्थ बनाता है, एनीमिया, शारीरिक ऊर्जा और कैंसर से बचाव करता है। अगला तत्व है विटामिन B3। B3 यानी नाइसिन हमारे नोनी प्रीमियम में है, तो नाइसिन की वजह से हम किन किन बीमारियों से बचते हैं, किन किन बीमारियों से नोनी बचाव करता है नाइसिन होने की वजह से, यह भी त्वचा, हृदय रोग, दिल का दौरा, कोलेस्ट्रॉल में एसडीएल को बढ़ाता है, करीब 35% तक बढ़ाने में यह मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल जो एसडीएल है उसे 35% तक यह बढ़ाने में मदद करता है, गठिया इत्यादि, इसकी कमी से, अगर विटामिन B3 की कमी होने से ही डिमेंशिया का खतरा होता है, तो नोनी में विटामिन 3 है जिसको पीने से डिमेंशिया का भी खतरा कम रहता है, हृदय रोग, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो आज बहुत ज्यादा लोग इतना भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, जिसके चलते सेक्सुअल डिसऑर्डर की भी कमी है, जिसके ये नोनी पीने से यह कमी भी दूर होता है, उल्टी, दस्त, थकान और सिर दर्द। आइए नेक्स्ट तत्व देखते हैं विटामिन B5।
विटामिन बी फाइव एस्कार्बिक एसिड भी हमारे नोनी प्रीमियम में है। अब नोनी में विटामिन बी फाइव होने की वजह से ही यह त्वचा का बचाव करता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस को कम करता है, हार्मोन्स के प्रॉब्लम को कम करता है, ठीक करता है, तनाव को कम करता है, हृदय को स्वस्थ और लाभकारी करता है, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की जो क्रिया है उसे सुधारता है, हीमोग्लोबिन का स्तर अगर कम है उसे बैलेंस करता है, घाव जख्म भरने में सहायक होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस विटामिन बी फाइव की वजह से भी है, बाल और त्वचा को यह स्वस्थ बनाता है, चमकदार बनाता है। इसके साथ ही हमारे नोनी प्रीमियम में विटामिन ई है, विटामिन ई यानी अल्फा ट्रोपोफेरॉल और ट्रोकोटाइनॉल, अल्फा ट्रोपोफेरॉल और ट्रोकोटाइनॉल ये दोनों तत्व हमारे इस नोनी प्रीमियम में है, जिसकी वजह से ये किस किन चीजों में फायदा दे रहा है आइए ये देखते हैं। ये त्वचा में लचीलापन, झुर्रियों की समस्या से निजात देता है, फ्री रेडिकल सेल से लड़ने में सहायक होता है, बालों के लिए फायदेमंद होता है, अल्जाइमर और डिमेंशिया, बाल झड़ना, और एक बीमारी होता है ऑटो इम्यून रोग उसे कहते हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम का अपने ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करना, ये एक बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून रोग कहते हैं, इसमें भी ये सहायक होता है। क्रेन रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस पेट में होते हैं उसके लिए भी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, फटी एड़िया, बहुत सी लोगों के में एड़िया जो होती है वो फट जाती है, उसमें ऊपर से वो लोग क्रीम वगैरह लगाते रहते हैं, लेकिन केवल क्रीम लगाने से नहीं होता है, आप जब तक इसे अंदर से क्योर, अंदर से हमारा क्यों, क्योंकि ब्लड को ये क्योर करता है, ब्लड को साफ करता है, हमारे सारे ऑर्गन को ये फिल्टर करता है। हम जब जन्म लेते हैं, धीरे धीरे हमारी उम्र जो जो बढ़ती है, हमारे ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होते हैं, उनमें बहुत सारी गंदगियों का प्रभाव होने से हमारे ऑर्गन काम करने में सुस्त पड़ जाते हैं, तो नोनी पीने से हमारे ऑर्गन जो है उनको ये फिल्टर करके यंग बनाता है, जवां बनाता है, ताकि हम ज्यादा ऊर्जान्वित होकर हम अपने काम को कर सकें। तो नोनी पीजिए और ढेर सारी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कीजिए। ये फटी एड़िया के साथ फ्री रेडिकल्स में भी लड़ने के लिए मदद करता है। अब इसमें नेक्स्ट तत्व क्या है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आप जानते होंगे, गाजर वगैरह में भी इसमें होता है। बीटा कैरोटीन का भरपूर मात्रा नोनी प्रीमियम में है। ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरत पड़ती है। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, रतौंधी बीमारी में, चूंकि बीटा कैरोटीन हमारे नोनी में, इसलिए नोनी पीने से ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रतौंधी की बीमारी से बचाता है, कैंसर से बचाव करता है, मस्तिष्क के कार्यों के लिए यह जरूरी है, सांस संबंधी रोगों का उपचार करता है, ये डायबिटीज और आंख का रोग भी खत्म करता है। दोस्तों, आंख एक अमूल्य चीज है, मैं कहूंगी आंख है तो जहान है और खूबसूरती कुछ भी देखने के लिए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लंबे समय तक आंख की रोशनी को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो क्यों ना हम नोनी पिए और अपने शरीर को इतने स्वस्थ रखें। इसके अलावा बीटा कैरोटीन की वजह से ही गठिया, इम्यून सिस्टम, त्वचा, बाल वगैरह भी ठीक रहता है, जिसके बाल झड़ते हैं उन लोगों के लिए। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे खनिज की भरपूर मात्रा हमारे नोनी प्रीमियम में है। नोनी किडनी, एक इसमें अपवाद भी है कि नोनी किडनी के जो पेशेंट है उन्हें नहीं पीना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें नोनी का सेवन नहीं करना चाहिए, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें सिर्फ नोनी का सेवन नहीं करना चाहिए, और नोनी पीते रहने से हम शारीरिक रूप से
स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जितने भी हमने पोषक तत्व अभी हमने कहे, वो सारे पोषक तत्व इंग्रेडिएंट्स हमारे नोनी में हैं, जिसकी वजह से हम इतने सारे बीमारियों का सैकड़ों बीमारियों के साथ हम लड़ सकते हैं एक सिर्फ नोनी पीने से, और हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात हुई स्वस्थ की। तो कहते हैं कि हमें अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, और स्वस्थ दिमाग रहता है तभी हम कुछ आगे का काम कर सकते हैं। तो नोनी, मैं कहती हूँ पैनल में जितने लोग उपस्थित हैं, आज से ही प्रण कर लें कि हमें रोज नोनी पीना है और लोगों को पिलवाना है। हमारे आसपास कितने सारे लोग बीमारियों से भरे पड़े हैं, समाज में एक समाज सेवा का भी काम होगा और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और इसमें अर्थ का भी समागम है। तो ये बात है कि हेल्थ के साथ वेल्थ भी है नोनी के साथ। तो अब ये देखते हैं कि ये धन कमाने का रास्ता भी कैसे दिखाता है, आइए देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी नोनी के बारे में कहा है, इसमें मैंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया है, बहुत दिनों तक मैं इस पे कार्य करती रही हूँ, बहुत इसको ढूंढ के मैं पढ़ी हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स आयुर्वेदाचार्य लोगों के बारे में मैं जानकारी लेने के बाद मैं अपने तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट मैं सामने लाई, जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत की हूँ, और मेरा मानना है और विश्वास है कि एक नोनी अगर पीते हैं तो हम ऐसे सैकड़ों बीमारी से हम अपना बचाव करते हैं, और बचाव करेंगे तभी हम सेफ शॉप में टारगेट हासिल करेंगे, और टारगेट हासिल करने के लिए हमें इससे अर्थ भी लेना है, यानी धन भी कमाना है, अमीर भी बनना है, लाखों करोड़ों कमाना है, डायमंड भी बनना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है कि हम किसी वन डे वन से अगर किसी दो व्यक्ति को नोनी लेकर ज्वाइन करने बोलते हैं, नोनी लेने बोलते हैं, तो वो दो व्यक्ति अगले दिन दो व्यक्ति को नोनी देता है, यानी दो दिन चार, यानी वो चार होते हैं, और फिर वो चारों व्यक्ति अगले दिन तीसरे दिन दो व्यक्ति को नोनी देकर ज्वाइन कराता है, तो आठ होते हैं पॉइंट, आठ लोग होते हैं, वो आठ लोग फिर अगले दिन चौथे दिन दो लोगों को नोनी देते हैं, तो 16 लोग होते हैं, वो 16 लोग फिर अगले दिन पांचवें दिन दो लोगों को नोनी देकर हमारे सिस्टम में लाते हैं, तो वो 16 × 32 यानी 32 लोग फिर छठवें दिन दो लोगों को नोनी देते हैं, तो 64 लोग होते हैं, 64 लोग अगले दिन फिर दो ही लोगों को, सिर्फ दो लोगों का खेल है, दो लोगों को ही नोनी देते हैं, तो 128 लोग जमा होते हैं, वो 128 दिन आठवें दिन अगर फिर दो लोगों को नोनी देते हैं तो 256 लोग होते हैं, और वो 256 लोग फिर नौवें दिन दो लोगों को नोनी देते हैं तो 512 लोग होते हैं, और दसवें दिन वो 512 लोग फिर दो लोग को नोनी देते हैं तो 1024 होता है, 1024 फिर 11वें दिन दो लोगों को देते हैं तो 2048 होता है, और 12वें दिन 2048 लोग दो लोगों को नोनी देते हैं तो 4096 लोग आते हैं। अब एक छोटी सी बात है कि एक व्यक्ति अगर नो, जी सर कुछ कह रहे हैं सर, अगर एक व्यक्ति अगर दो, एक व्यक्ति अगर दो लोगों को नोनी दे रहा है तो एक नोनी का बीवी होता है 10, 10 बीवी बिजनेस वैल्यू से ये नोनी होता है, तो हम 4096 लोग अगर
दो दो नूनी लेते हैं, तो मैं इसे राउंड फिगर में लेकर कहती हूँ, यानी 4,000 लोग अगर दो दो नूनी लेते हैं तो 8,000 होता है। 8,000 को 10 बीवी से, 8,000 का इंटू 10 बीवी, और 10 बीवी में हम 2.5 रुपये के हिसाब से अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 80,000 पॉइंट लेते हैं तो 80,000 पॉइंट हमारे आते हैं। 80,000 पॉइंट को 8,000 × 10 यानी 80,000 पॉइंट होते हैं हमारे बीवी हो रहे हैं, और 80,000 पॉइंट को मैं 2.5 रुपये से अगर कैलकुलेट करती हूँ तो 2,00,000 रुपया निकल कर आते हैं। तो ये 12 दिन में अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से अगर नोनी सिर्फ दो दो लोगों को अगर देने का एक फैसला तय करते हैं तो 12 दिन में 2,00,000 रुपया कमाना अच्छा है कि बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेरी जहां तक जानकारी थी मैंने बता दिया, और इसके साथ ही मेरे खुद के कुछ अनुभव हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय ये बता दूं कि मैं जमशेदपुर से हूं, अनीता सिंह। मैं पिछले 25 सालों से रंगमंच की दुनिया से जुड़ी हूं, फिल्म से जुड़ी हूं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हूं, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूं, और नेशनल लेवल पे भी मैं रंगमंच और फिल्म का काम करती हूँ। और मेरे लिए ये एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत पल है जो आज मैं सेफ सुख से जुड़कर आज मैं इतने बड़े मंच से मैं जुड़ी हूँ जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आज सुन रहे हैं मुझे। और मैं अपने सभी गुरुओं को मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं इस काबिल बनूं कि मैं आज इस मंच पर, इस पैनल पर आप लोगों को कुछ बता सकूं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे स्टोमक प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, और मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द होता था और पूरा स्वेल हो गया था, स्वेलिंग हो गया था। तो मैं जब सरजीत सर से मिली थी तो सर ने कहा था कि मैम आप नोनी पीते रहिए, बस उसी से सब ठीक हो जाएगा। मैंने केवल एक, मेरे कानों में वो आवाज गई और मैं उनकी बातों पर विश्वास करके मैं नोनी पीती गई। मुझे पता भी नहीं है कि कब मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, चंगी हूँ, बहुत अच्छे हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं लाइफ इज हार्ड बट नॉट पॉसिबल, लाइफ इज हार्ड बट नॉट पॉसिबल, सो नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। आप अपने सपने को किसी को मत दीजिए। हार्ड हो सकता है हमारा जीवन, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो पॉसिबल नहीं है, हर काम हो सकता है। इसी तरह हम अपने टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। जय सेफ सो, और हमारे जितने गुरु हैं सबको मेरा नमन, कोटिश आभार, प्रणाम। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन अनीता मैम, धन्यवाद सर, बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद, आज से जय हो, आज से मैडम डॉक्टर अनीता मैडम हो गई, डॉक्टर अनीता मैडम, नमस्कार। नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं सर, बाप रे इतनी बड़ी उपाधि आप लोगों, अभी मैं सीख रही हूँ। चलो, बहुत बढ़िया है। इसी श्रृंखला में आगे जो है अभी आशीर्वाद लेने का मौका है दोस्त। आज अनीता मैम ने रियली में गागर में सागर भर दिया, और मुझे तो लग रहा था कि इतनी सारी बीमारियां दूर होती क्या इससे, वास्तव में इतनी सारी चीजों की नॉलेज और इतना बेहतरीन तरीके से, इसका मतलब हम नोनी पी रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्राउड है कि लगातार नोनी पीने से इसका मतलब इतने सारे बीमारियों से हम एलईडी निजात पा चुके हैं या उनमें होने वाली ही नहीं है, बहुत खुशी है, कब पार हो जाता, बिल्कुल ये बीमारियां मतलब कब आई और कब चली गई पता नहीं चलता। आप सिर्फ नोनी पीते रहो और अपना जो है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, माना ध्यान करते हैं, और अच्छा जो भी खाना खाते हैं, लेकिन नोनी सुबह और शाम जरूर पीते रहे। आज मैडम से ये सुनने का मौका मिला और रियली में गदगद हो गया मैम, और पूरी तरह कम्प्लीटली, इससे अच्छा और कोई दूसरा बता ही नहीं सकता था।
इतना बढ़िया तरीके से, और कोई बस आप बताया, आपने इतना गजब बता दिया है कि अब इसको हम प्रॉपरली सारा मेंटेन करेंगे और लगातार कंटिन्यू वीकली इसको जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी नोने के बारे में जब भी होगा नेक्स्ट आपको कॉल जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, वेरी मच शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार मैम के लिए जोरदार दमदार ताली बजाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम ने आज बताया है, है ना। और आगे आप आशीर्वाद लेने का मौका है कि आज इतना बेहतरीन तरीके से आपने बताया और किस प्रकार से हमें नौनी को और बढ़िया और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाना है इसके बारे में गुरुजी लोगों से सुन लेते हैं। तो अभी मैं कॉल करना चाहता हूं हमारे बीच में हमारे डबल डायमंड, हमारे प्रेरणा के सूत्र और आरएसटी के जाबाज और धुरंधर, और साथ में हम सब लोगों को एक साथ आगे लेके जाने के लिए जो संगठित होकर काम कर रहे हैं हमारे डबल डायमंड निहाल सर के लिए एक जोरदार दमदार ताली बजाए। सो प्लीज वेलकम ऑन द पैनल डबल डायमंड निहाल सर के लिए जोरदार दोस्तों, वेलकम मगुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व साहब, मगुरु जी को चरण स्पर्श आशीर्वाद। और आज सच में अनिता बहन ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी सुबह सुबह, आज हमारी बहुत ही मेरिकल मॉर्निंग कर दी मैडम ने, आज इतने बढ़िया से बताया हमारे को, इनका लाइफ का एक्सपीरियंस था, उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बंदा इस्तेमाल करता है वही बता सकता है उसके फायदे, तो इन्होंने इस्तेमाल किया है और अपने ऊपर काम करके और ये जो ठीक हुए हैं, तो इनके अंदर से जो बातें बोली हैं सारी आज दिल से बोली इन्होंने, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक यू, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। और नोनी मैं पिछले 2.5 साल से मेरे पेरेंट्स को दे रहा हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा को, उनको बहुत फायदा हो रहा है, उनको भी घुटनों में दर्द था कमर में दर्द था और बिल्कुल ठीक है वो, और बहुत ही इन्होंने का थैंक्स पे करते हैं सेफ शॉप का कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट दिया इस उम्र में आकर के, आदमी चलना फिरना मुश्किल होता है। और नोनी पिछले 2.5 साल से मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी मैडम भी इस्तेमाल कर रही है, बहुत सारा फायदा हो रहा है, मैडम को एलर्जी था और आज वो बिल्कुल ठीक है और मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ नोनी को, तो बहुत बढ़िया है। आज हमारा क्लोजिंग है, मैं चाहूंगा सब लोग अपना अपना, देखो इतनी सारी बीमारियों के आज आज हमें पारकी से पता चला है, तो ये अनिता बहन ने बिल्कुल सही बोला है कि समाज सेवा काम है, रियल बता रहा हूँ दोस्तों, जिनको प्रॉब्लम है वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हजारों रुपए महीने खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप और हम एक मिशन बना लें और अगर घर घर तक पहुंचा दें तो हमारे हिंदुस्तान में लोग आपको पता ही है पैसा भी कमाएंगे और यहाँ पे बेरोजगारी भी दूर होगी और एक समाज सेवा काम करने का मौका मिलेगा। इतना पुण्य काम मिल रहा है तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि नोनी का आज ऑर्डर करना है, बड़ा ऑर्डर करना है और महागुरु जी 50 का ऑर्डर मैं करके भेज रहा हूँ आपके पास में, मैं भी कर रहा हूँ आज 50 का ऑर्डर क्योंकि इतना बड़ा फायदा पता चल गया है आज, तो हम दमदारी से करेंगे और भी हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, आप देख रहे विजिट कर रहे होंगे तो आप पूरा इस्तेमाल करें। और अभी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, महागुरु जी आज हम दमदारी से पूरी जोर लगाएंगे, अभी से हम क्लोजिंग करेंगे, आज हम प्लान नहीं करेंगे महागुरु जी, आज बुधवार है तो बुधवार का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, आज शाम तक अब तक की रिकॉर्ड तोड़ जो है हमने मेहनत करेंगे और आज क्लोजिंग बड़ी करके दिखाएंगे, टैबलेट और लैपटॉप की आज हम पक्का अचीवर्स निकालेंगे महागुरु जी, शाम तक 10 लोगों को पक्का निकालेंगे हम, और मेरा रेड क्लब मेरी टीम जाबाज मेरे साथ में है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और अब हम कॉल करना चाहते हैं, हमारे महागुरु जी हमारे बीच में पैनल में आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ महागुरु जी का आशीर्वाद लें और आज की जो दिन है कितना बेहतरीन होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सर का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम सबके लिए, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे पग दर्शक और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो भी आज कर पा रहे हैं तो सर की गाइडलाइंस में कर पा रहे हैं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महागुरु जी का हमें सुबह सुबह दर्शन होते हैं और सर का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों एक बार खड़े होकर के और हु अल्लाह के साथ में जोरदार ताली स्वागत करते हैं हमारे महागुरु इंद्रपाल जी के लिए, जोरदार तालियां, वेलकम है महागुरु जी, थैंक यू जी, वेलकम गुरु जी, धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार और पैनल पे जुड़े सभी दमदार लीडर्स को मेरा नमस्कार। और आज बधाई हो हमारी डॉक्टर अनीता मैडम ने तो धमाल मचा दिया है, रियली में इतनी बीमारियां तो कोई डॉक्टर भी नहीं जानता होगा कि इतनी बीमारियां भी होती हैं, और मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ऐसा मैंने आज से 2.5 साल पहले जब नोनी हमारी कंपनी में लॉन्च हुआ था तब एक स्टेज के माध्यम से मैंने सुना था कि नोनी जो है वो हमारे लिए रामबाण है, अमृत है और हमें इसको जरूर पीना चाहिए, और मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग अपने से किया था और मैम ने आज बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो मैं खुद बोला था यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी, एक बात बताई मैम ने कि चेहरे पे झुर्रियां जो है खत्म हो जाती हैं, तो मैं उसी टाइम देख रहा था यार मैं आजकल पहले से जवान लगता हूँ अपने आप को, अपने को फील करता हूँ
यार पहले मेरे चेहरे पे एकदम झुर्रिया सी थी लेकिन अभी साफ हो गई, तो मैं उसी टाइम देख रहा था शायद ये नोनी पीने से ही हुआ। और फिर मैम ने एक और बात बोली थी, बाकी तो मैंने पहले भी सुनी हुई थी, एक और बात सुनी कि बोला गया है कि पैर की एड़ियों में जो आपके दरारें आती हैं, और मैं बोलता हूँ कि मैं जब से पैदा हूँ मेरी ये दरारें खत्म ही नहीं होती थी कभी, अभी मैं देख रहा था एकदम एड़ी की तरह मेरी गाल की तरह जमक रही है, रियली में मेरे अभी डेढ़ साल से मैं उसी टाइम देखा यार कमाल हो गया यार, ये मेरे पास तो ऐसा प्रॉब्लम था। अब मैं सोचता था शायद आजकल मैं बाहर कम जाता हूँ इसलिए शायद नहीं होगी ये खत्म हो गई होंगी, लेकिन उसी टाइम जैसे मैंने बोला तो मैंने उसी टाइम अपनी पैर की एड़ी देखी यार, आजकल बिल्कुल जैसे मेरे गाल चमकते हैं ऐसे ही मेरी एड़ी भी चमकती है, क्यों? क्योंकि मैं परमानेंट पर डे नोनी यूज करता हूँ पिछले 2.5 साल से। अगर मैं कहीं पे सफर में जाऊं, मैं कहीं आगे पीछे जाऊं, मेरा कोई शूज छूट जाए लेकिन मेरा नोनी नहीं छूटना चाहिए, मैं डेली सेवन करता हूँ। मैं कहीं भी अपनी रिलेशन में जाऊंगा, भले मैं 2 दिन के लिए जाऊं, मैं अपनी गाड़ी में अपना नोनी बोतल जरूर लेके जाता हूँ। डेली सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम है फ्रेश होके आने के बाद 30 ml नोनी मुझे गर्म पानी के साथ लेना ही लेना है, उसके बाद की बाकी दिनचर्या। और मैंने सुना था कि शिल्पा शेट्टी भी इसी वजह से इतनी सुंदर लगती है और वो डेली अपनी शुरुआत जो है वो नोनी से करती है, तो मैंने बोला यार अगर वो पी सकती है तो हम भी पीते हैं, हमें पीने में कौन कौन सा फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? डॉक्टर के पास अगर मैं बात करूं अपनी बात अपने बारे में बताता हूँ सिर्फ, और बाकी तो बाद में बात करेंगे। मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, मैं सुबह सुबह 1 कैप्सूल खाली पेट लेता था इस बिजनेस में नोनी को पीने से पहले। जब तक हमारी कंपनी में नोनी नहीं आई थी तब तक मैं सुबह सुबह गैस्ट्रिक और एकदम सर भारी, और मेरे को बीपी तो पिछले करीब 15-16 साल से हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, और मेरा 40 से ट्रीटमेंट चल रहा था। 40 हॉस्पिटल वालों ने मेरे को डेली टैबलेट दिया हुआ था कि आपको टैबलेट लेना है, डेली लेना है, और मैं डेली टैबलेट लेता ही लेता था। अगर मैं जिस दिन मैं भूल जाऊंगा उस दिन मेरी हालत थोड़ी ज्यादा खराब होती थी क्योंकि मेरा सर बहुत भारी चलता था, मुझे को बीपी हाई रहता था। और जब से मैंने नोनी पिया है स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं चलता था, मैं बोला शायद सट्टे मारते होंगे, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 महीना मैंने पिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को टैबलेट खानी पड़ती थी। लेकिन धीरे 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 मैं रेगुलर हो गया तो मैं भूल सा गया कि मुझे टैबलेट लेनी है। आज मेरा किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं, मैं उसको जितने पेपर थे वो सब फेंक दिए हैं, मैं किसी भी प्रकार की कोई टैबलेट नहीं लेता हूँ, लेकिन नोनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। कहीं पे भी जाऊंगा मैं नोनी डेली यूज करता हूँ। तो दोस्तों आज मैम ने मैं बोलता सैकड़ों आज बीमारियों के नाम गिने हैं, इन चीजों पे रामबाण है। और अगर हमारे सबसे माइंडेड जिसको बोलते थे मिसाइल मैन बोलते हैं जिनको, उन्होंने भी नोनी को अमृत नाम बोला है। हम तो बिल्कुल एक सीधे साधे इंसान, हमें तो इतना ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन जिनको मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह गए हैं वो कम माइंडेड नहीं थे। श्री अब्दुल जी ने अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि नोनी अमृत है तो उसको हर इंसान को पीना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस तरीके की इतनी शानदार नोनी आज हमारे पास में है और हम खुद उसको यूज करके पहले अपने आप बोलते ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमने इस्तेमाल भी किया है और अपने ऊपर उसको यूज करके अब सही किया है पहले अपने आप को फिर दूसरों को बोल रहे हैं कि नोनी आपको जरूर पीना चाहिए। अभी अभी कुछ बात आ रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि अभी मैं बच्चों को बोलता हूँ, वो लोग कभी कुछ लगाते हैं अपने चेहरे पे, कभी कुछ लगाते हैं, थोड़ी फिंसे आती हैं, तो आज से मैं उनको नोनी उनको चेहरे पे लगाने के लिए जरूर दूंगा कि आप अपने फेस पे नोनी जरूर लगाएं। और आज एक अच्छा खासा ऑर्डर भी करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के नाम याद आया है यार उस आदमी को ये प्रॉब्लम थी, उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको भी ये नोनी देने चाहिए, क्योंकि जब जब हम इस तरीके की नॉलेज लेते हैं तो हमें उन लोगों के नाम याद आ जाते हैं जिनको नोनी बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि 25-30 नोनी का तो जुगाड़ अभी भी मेरे दिमाग में आ गया है कि किस किस आदमी को मुझे नोनी देनी है। और आज के आज इतनी शानदार ट्रेनिंग लेने के बाद, इतनी दमदार एजुकेशन लेने के बाद, मुझे लगता है कि पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे कम से कम 20-20 नोनी का तो ऑर्डर आज जरूर करेंगे। दोस्तों आज के आज एक ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि सेफ चोप में ये हलचल हो जानी चाहिए कि इस ग्रुप में ऐसा क्या हो गया कि ये नोनी की लाइन लगा दी है और इन्होंने पूरे स्टॉक हमारे खाली करवा दिए हैं, और सिर्फ RST की निहाल जी की टीम ने आज पूरा कंपनी का जो स्टॉक है वो
कवर कर लिया है सारा, तो ये एक आवाज वहां से आनी चाहिए कि ऐसा क्या देख लिया। तो फिर हम अपनी अपनी डॉक्टर अनीता मैडम को हम बड़े पैनल पे लेके जाएंगे ताकि ये पूरे देश को बता सकें कि नोनी के क्या क्या फायदे हैं। सही है, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आज क्लोजिंग डे है हमारा, वीकली क्लोजिंग डे होता है बुधवार को। मैक्सिमम लोग आज अपना इसका फायदा उठाएं। आपको मालूम है कि इतने फायदे मिल चुके हैं, मिलते हैं नोनी पीने से, तो आपका चेक जरूर बनना चाहिए। पैनल पे जितने भी लोग ज्वाइनिंग हैं, मैं इन सबको ये बोलना चाहूंगा कि आपका चेक बनना चाहिए, और आपकी टीम में जितने भी नए लोग आए हैं, मैक्सिमम लोगों को कम से कम 1000 का चेक जरूर बनवाया। अगर हम ये ऑर्डर करेंगे आज, तो अपनी टीम में जाके ऑर्डर करेंगे, अपनी टीम के सबसे नीचे वाले लोगों के बीच में जाके हम ऑर्डर करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा सबका चेक बनेगा। तो दोस्तों अपनी टीम के चेक बनवाएं। जिनका टैब फोन बिल्कुल नदी का रखा है, 3000-4000 भी कम है, वो आज किसी भी हालत में पूरा करें, और उसको आज का आज अचीव करना है। और जिनका लैपटॉप बिल्कुल नजदीक पहुंचा हुआ है, उन्होंने लैपटॉप जीतना है। तो दोस्तों आज क्लोजिंग बहुत दमदार होनी है, ट्रकों के ट्रक आज हम नोनी की पूरे देश के अंदर पहुंचाएंगे। ये हमारा आज का संकल्प रहेगा कि हम आज सेफ चुप की सबसे ज्यादा नोनी प्रमोट करने वाला ये ग्रुप होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप लोग इतनी अच्छी एजुकेशन लेके आज के दिन की शुरुआत की है, और सब लोग अभी जिन्होंने अभी तक नोनी नहीं पी है, फटाफट बोतल खोलिए और गुनगुना पानी लीजिए और नोनी की शुरुआत कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं क्लोजिंग करना चाहूंगा, और समय हो चुका है, अभी आज लिस्ट बना के आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें, लोगों के ऑर्डर करवाएं, और टारगेट जरूर जीते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मां गुरु जी, जय हो, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आज ऑर्डर कर कर डालो ग्रुप में फटाफट। थैंक यू अनिता मैम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर साहब।